दोनों टांग निकली हैं। माई बड़ी प्लस मामला थोड़ा सा लचर पचर लग रहा है इसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक सांगड़ पे। और भाई आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं ये लैपटॉप टेबल बाय द ब्रांड पोर्ट्रोनिक्स। टेबल का नाम है माई बड़ी प्लस, फैन वाली ये टेबल है। चलिए फटाफट ओपन करते हैं इसको, देखते हैं कैसी हमारी ये नई टेबल। तो भैया बॉक्स कुछ इस तरह की टेबल हमारी होने वाली है। यहाँ पर पोर्ट्रोनिक्स का लोगो और ये हमारी टेबल का नाम माई बड़ी प्लस पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड विद कूलिंग फैन। यहाँ पर इसकी बाकी डिटेल्स स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट साइज दिया गया है और ये फैन स्पीड 1800 RPM। टेबल टॉप जो मटेरियल है वो है वुड टेक्सचर। यहाँ पर हाइट दी गई है, इसकी वेट बताया गया है, लगभग 1.5 किलो के आसपास इसका वेट है और 17 इंचेस लैपटॉप तक ये जो है सपोर्ट करती है। MRP इसका 3499 रुपये, लेकिन आप इसको परचेज कर सकते हैं 2200 रुपये में अमेजोन से। और एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है इसका 2023, तो लेटेस्ट ही बनी हुई है टेबल है दोस्तों। 1 ईयर की वारंटी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस पे। इसका कलर जो है ब्राउन है, तो एक्सटेंड भी हो जाती है हमारी टेबल, टिल्ट भी हो जाती है और फोल्डेबल तो ये है ही। USB थ्रू हम इसका फैन जो है ऑन कर सकते हैं। चलिए फटाफट ओपन करते हैं इसको। और हाँ, बॉक्स जो है काफी अच्छा बना रखा है दोस्तों। ये देखिए, आपको कैरी करने के लिए हैंडल भी दे रखा है इसमें, तो काफी अच्छी जो पैकेजिंग है। लेकिन अमेजोन की तरफ से कोई हमें पैकेजिंग नहीं देखने मिलती है, यही जो है बॉक्स हमें रिसीव होता है और ना इसमें कोई टेप वगैरह कुछ लगी होती है। तो अमेजोन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारी नई टेबल। तो इस तरह से जो है पैक हुई हुई आपको ये मिलती है। निकालते हैं इसको बाहर। स्पोर्ट के लिए यहाँ पर ये थर्मोकोल जो लगाया गया है चारों कॉर्नर्स पे। तो इसके अंदर आपको एक ये यूजर मैनुअल मिलता है, जिसमें डेमो जो है आपको दिखाया गया कैसे कैसे इसको जो है यूज़ करना है। तो ये है अपनी टेबल, कुछ ऐसा मटेरियल जो आपको यहाँ पर देखने मिलता है दोस्तों। इससे पहले मैंने स्टार एंड डेजी की जो है एक टेबल मंगवा रखी है, ऐसी वो भी सेम टू सेम ऐसे ही उसकी लेग्स हैं, यही फैन वगैरह उसमें भी। लेकिन उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी हल्की निकली। 1 साल के अंदर ही उसकी जो ये लेग है ये क्रैक हो गई थी, उसके बाद दूसरी भी क्रैक हो गई, अब दोनों ही क्रैक हो चुकी है और बिल्कुल ही बेकार वो टेबल हो चुकी है। देखते हैं पोर्ट्रोनिक्स की क्वालिटी तो मुझे उससे काफ़ी बेटर लग रही है दोस्तों। अब कुछ इस तरह से जो है लेग्स इसकी ओपन होती है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया जो है लॉक सिस्टम है यहाँ पे। तो ये लेग्स जो ओपन हो चुकी है और ये इसकी टॉप साइड। यहाँ पर आपको पोर्ट्रोनिक्स की जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों। और ये इसका फैन, तो यहाँ के लिए जो है ये स्टॉपर आपको मिलता है इसके अंदर, इसको लगाएंगे थोड़ी देर में। कलर एकदम बढ़िया लग रहा है दोस्तों मुझे यहाँ पर, काफ़ी अलग सी जो है ये टेबल लग रही है देखने में। इसका जो ये स्टॉपर है इसको निकाल देता हूँ मैं और जहाँ इसकी जगह है वहीं पर लगा देते हैं इसको। तो दोस्तों ये इसका स्टॉपर और क्वालिटी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा था पोर्ट्रोनिक्स। अब चलिए लगाते हैं इसको यहाँ पर। तो काफ़ी ईजी है, इसको बस यहाँ पर अलाइन करके और ऐसे प्रेस कर देना है। तो हमारा स्टॉपर लग चुका दोस्तों। ये जो प्लास्टिक है और ये वाला जो है रबड़ का पोर्शन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये भी। ओवरऑल जो बिल्ट है इसका काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं चाहे वो कहीं का ही कटआउट हो, ये फैन के लिए जो ग्रिल लगाई गई है इसका कटआउट, और तो साइड में जो इसका बॉर्डर बनाया गया प्लास्टिक का, ये भी टेक्सचर वाला है। और ये फिटिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से जो है पेस्ट की है दोस्तों, फिट एंड फिनिश से एकदम बढ़िया सारी। तो अब चलिए इसकी हाइट वगैरह आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी मिनिमम हाइट, और हाइट जो इसकी कुछ इतनी एक्सटेंड हो जाती है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट। और हाइट जो है बढ़ाने के बाद मुझे यहाँ पर मामला थोड़ा सा लचर पचर लग रहा है इसका, इसी के ऊपर ये टिकी हुई है तो इतनी तो इसमें प्ले होगी ही। चलिए हाइट तो देख लिया आपने। इसके बाद इसको टिल्ट करना है, तो हमें कैसे करना है टिल्ट करने के लिए, आपको ये जो बटन है ये आप देख सकते हैं, इसको प्रेस करना है दोनों तरफ से और ऐसे जो है ये टिल्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, ये लास्ट स्टॉप है इसका, इतनी जो है ये टिल्ट हो जाती है दोस्तों, और काफ़ी टिल्ट हो चुकी है ये। अलग अलग एंगल पे ये टिल्ट हो सकती है, इतनी भी आप कर सकते हैं इसको। काफ़ी जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें टिल्ट वगैरह करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए इसकी। और ये इसका फ़ैन, तो चलिए फ़ैन भी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किस तरह से ये काम करता है। तो इसको आप या तो अपने लैपटॉप में ही यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा पावर बैंक हो तो उसमें लगा के इसको रख दीजिए। और यही थे इसके सारे ऑप्शंस। अब लैपटॉप ही रखते हैं इसमें और चेक करते हैं क्या ये फिट रहेगी हमारे लैपटॉप के लिए, क्योंकि इसकी जो ये विड्थ है ये मुझे कम लग रही है दोस्तों। स्टार एंड डेजी और इसके मुकाबले तो कम ही है इसकी विड्थ। बाकी चलिए आपको अपनी जो स्टार एंड डेजी है वो भी दिखाता हूँ किस हालत में है। तो ये आ गया अपना पावर बैंक और वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी दे रखी है दोस्तों, ये देखिए इतनी लंबी जो आपको यहाँ पर वायर मिल जाती है इसके साथ। अब चलिए फटाफट फैन को ऑन करते हैं इसके।
फैन जो है ऑन हो चुका दोस्तों, और काफी हल्की हल्की जो है ये हवा खींच रहा है। ये देखिए, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो लेग्स है इसकी ग्रिप दे रखी है इन पे भी, काफी स्टिक है दोस्तों। ये जो स्टार एंड डेजी वाली पुरानी हमारी, उसमें ग्रिप वगैरह कुछ नहीं है। तो ये देखिए कितना फ्लो है फैन का। तो ये हमारी स्टार एंड डेजी वाली टेबल जिसकी दोनों टांग निकली है। तो हालत आप देख सकते हैं इसकी क्या हो चुकी है। मैंने एम सील वगैरह लगा कर जो है इसको यहाँ पर फिक्स किया हुआ था अब तक, लेकिन लास्ट में आके जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा क्रैक हो गया इसका, ये सारा क्रैक हो चुका है। बार बार ये निकल रही थी, तो इसकी भी हालत यही है। और ये देखिए इसकी जो ये बीडिंग है ये भी सारी निकली पड़ी है। बाकी एक चीज़ देखी जाए तो ये वाली जो है स्टार एंड डेजी, ये इससे जो है चौड़ी है। ये देखिए चौड़ी भी है और लंबी भी है। तो यहाँ से आप डिफरेंस जो देख सकते हैं दोस्तों, डायमेंशन में काफ़ी फर्क है इसमें और इसमें। हालांकि इसका प्राइस भी इतना ही था। रख के देखते हैं लैपटॉप भी इसमें। तो दोस्तों ये आ गया अपना एच पी पवेलियन और माउस। अब देखते हैं क्या इसमें ये ढंग से फिक्स होता है या नहीं। यहाँ पे मैंने रखा इसको, बिल्कुल फिट आया दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल फिट है इसमें, इतना सा गैप है यहाँ पे। अब ये रखते हैं अपनी माउस पैड, और भाई माउस पैड जो ढंग से नहीं रखी गई यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा लैपटॉप सेटअप, आप देख सकते हैं। ये टेबल जो होती है ये होती है अपना बेड वगैरह पे बैठ के ऑपरेट करने के लिए लैपटॉप। चलिए उसका भी डेमो देखिए। तो दोस्तों ये इसका असली यूज, काफी कन्वीनियंट हो जाता है ऐसे काम करना, कम्फर्टेबली जो आप बैठ सकते हैं ऐसे। अगर बैठे कमर दुखने लगी तो यहाँ पर रख सकते हैं और अपना काम जो कर सकते हैं। यही हमारी नई टेबल। और आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थिकनेस मैंने आपको नहीं दिखाई दी, तो कुछ इतनी जो आपको यहाँ पर थिकनेस देखने मिलती है, काफी स्लिम सा ये बोर्ड है। और पैसे मुझे ज्यादा लगे इसके, 2200 रुपए की नहीं होनी चाहिए थी, लगभग 1500 रुपए के आसपास हो जाता प्राइस इसका, तब भी ठीक था। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। परचेज करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।